प्रश्न नंबर 10C का पहला, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, तो कितना एक अंतःकोण दिया है 30 अंश। शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको बी सी डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण ए अगर 30 अंश है तो कोण सी भी 30 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जब कोई भी हो तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी है बी सी के बराबर होगी और सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यानी अगर कोण ए 30 अंश है तो कोण सी कितना होगा 30 अंश। देखिए कोण ए कोण सी बराबर होगा कोण ए के 30 अंश, क्योंकि सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं समान। तो इसी प्रकार हमारा बी और डी समान होगा, बी और डी समान होगा, तो बी या डी को हम मान लेते हैं यक्ष और यक्ष। तो अब हमारा चतुर्भुज बन गया, तो यानी चतुर्भुज क्या होता है ए बी सी और डी, यानी चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश, जिसमें हमारा कोण ए कितना दिया है 30 अंश और कोण बी मान लेते हैं यक्स और कोण सी हमारा 30 अंश और कोण डी यक्स बराबर 360। तो यक्स यक्स दो यक्स हो गया और 30 और 30 60, जो उधर जाकर घटा देंगे प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यानी दो यक्स बराबर 300, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 300 बटे कितना 2, यानी यक्स का मान आ गया हमारा 150, कितना आ गया हमारा 150। तो अब हमारे चारों मान आ गए, चारों एक कितना था 30 अंश, दूसरा बी कितना होगा बी होगा 150 अंश और सी कितना था 30 अंश और डी कितना होगा 150। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है। मान लो समांतर चतुर्भुज कोई बना है जिसमें किसी भुजा पर मान लो, चाहे ये भुजा मान लो, चाहे ये भुजा मान लो, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, इनमें कोणों का अंतर कितना है 40 अंश का। ये मान लेते हैं यही ये कोण मान लेते हैं, ये कोण ये मान लेते हैं, तो इसका ये होता है इनमें अंतर कितना दिया है 40 का, जबकि ये रूल होता है किसी भी भुजा पर कितने कोण बनेंगे आधार कोण दो बनेंगे, यानी एक ए एक ए, तो उनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है योग 180 अंश होता है। तो जिसमें अगर हम पहला कोण यानी कोण 1 मान ले x अंश तो कोण 2 कितना हो जाएगा, जब इनका योग 180 अंश है तो दूसरे को यानी 180 में से पहला कोण घटा दे तो हमारा हो जाएगा दूसरा मान निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये x अंश है और ये हो जाएगा 180 अंश माइनस x। तो देखिए अब बड़ा कोण कौन सा है हमारा ये वाला x अंश वाला और छोटा कोण है 180 माइनस x, और कह रहा है अंतर कितने का है 40 अंश। तो सबसे पहले तो हम कोण 1 यानी बड़े कोण को लिख देंगे माइनस 180 अंश माइनस x, यानी बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाएंगे तो अंतर कितना कह रहा है 40 अंश का है। तो देखिए x माइनस 180 अंश और ये माइनस माइनस प्लस का x अंश बराबर 40 अंश, तो हो जाएगा x x कितना हो गया 2x, ये 180 अंश उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 180 अंश जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 40 और 180 अंश कितना होता है 220, तो x बराबर आ गया 220 बटे 2 यानी 110 अंश, यानी x का मान कितना आ गया 10 अंश, यानी ये बड़ा कोण कितना होगा 110 अंश और ये छोटा कोण कितना आ जाएगा देखिए, यानी कोण 2 बराबर कोण ये x का मान यानी कोण 1 बराबर 110 अंश और कोण 2 कितना है 180 में से x घटा दो, तो 180 लिखेंगे, x का मान कितना है 110 यानी वो कितना हो गया 70 अंश। अब देखिए ये 110 हो गया ये 70 हो गया, अब ये तीसरा है सामने वाला कितना हो जाएगा 70 अंश और ये कितना हो जाएगा हमारा 110 अंश। तो कह रहा प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक कोण हमारा कितना आ जाएगा 70 110 70 और 110, ये हमारे चारों कोण हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1:3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी भुजा कह रहा है तो किसी भी भुजा पर दो कोण बनते हैं, समान लेते हैं समांतर चतुर्भुज बना है तो किसी भी भुजा पर दो कोण बनते हैं, तो इनमें अनुपात कितना कह रहा है 1:3, और किसी भी भुजा पर दो बने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश। तो हम लिखेंगे यानी कोण ए और कोण बी इनका अनुपात कितना दिया है 1:3, तो इनका योग कितना होगा 180 अंश, तो कोण ए मान लेते हैं x है और कोण बी कितना है 3x है, तो हो जाएगा 180 अंश, x और 3x कितना हो गया 4x बराबर 180 अंश,
तो यक्स बराबर आ गया 180 अंश बटे 4, तो ये आ गया हमारा 45 अंश। कितना आ गया हमारा 45 अंश। अब देखते हैं एक कोण है ये मान लेते हैं यक्स और दूसरा है 3x। तो अब देखिए यक्स का मान 45 अंश आया है, यानी कोण ए कितना आ गया हमारा, यक्स ए बी सी डी, कोण ए कितना है यक्स यानी कितना 45 अंश, और कोण बी कितना है हमारा 3x यानी 3 × 45 आ गया हमारा 135 अंश। तो बाकी कोण, कोण सी कितना होगा, कोण सी ए के सम्मुख है तो सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है, यानी कोण सी हमारा 45 अंश होगा, और कोण डी, कोण डी हमारा कोण बी के समान होगा यानी 135 अंश। ये हमारे चारों कोणों के मान होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, संलग्न जो जुड़ी भुजा है, जैसे मान लो ये भुजा आपस में जुड़ी है तो ये 4 है ये 6 है, चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर अगर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होते हैं। तो अन्य दो भुजाएं होंगी, जैसे मान लेते हैं 4 है 6, तो ये कितना होगा सम्मुख भुजा 4 होगी, बराबर होगी, और इसके सम्मुख भुजा ये, यानी अन्य दो भुजाएं होंगी हमारी 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी दूसरी भुजाएं भी 4 और 6 सेंटीमीटर होंगी। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप लिखेंगे जब हम, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बिल्कुल आयत के परिमाप जैसा होता है, 2 × संलग्न भुजाओं का योग, संलग्न भुजाओं का योग, जैसे उसमें होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी प्रकार इसमें भी दोनों भुजाओं का योग, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई का योग होता है, तो 2 संलग्न भुजाओं यानी है कौन कौन सी, 8 + 6 यानी इसे लंबाई और चौड़ाई, तो 2 × 8 = 14 यानी ये कितना आ गया हमारा परिमाप 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2 यानी 1x और 2x, इसे कितना कहेंगे x और 2x, यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का परिमाप, का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र, चतुर्भुज का परिमाप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र लिखेंगे यानी 2 संलग्न भुजाओं का योग, तो संलग्न भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है यानी संलग्न भुजाएं कौन कौन सी, x और 2x, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ये जो 2 इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो x और 2x कितना हो जाएगा, ये 3x और ये 2 जाएगा बटे में, यानी कितना आएगा 15। फिर देखते हैं x बराबर 15 बटे, इसमें जब 3 ये बटे में आएगा यानी x का मान आ गया 5, तो भुजाएं जो होंगी, x/2 कह रहा था, यानी एक भुजा यानी ये जो 2x है तो 2 × 5 यानी कितनी आ जाएगी 10, और दूसरी भुजा x यानी x का मान 5 यानी दूसरी भुजा कितनी है 5। अब कह रहा है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी, पहली भुजा मान लो 10, दूसरी भुजा ये मान लो 10 है ये 5 है, तो ये कितनी होगी 10 और ये 5, तो यानी हमारी भुजा होगी 10 5 10 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, आकृत में PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है, रेखा खंड OP यानी OP और OQ OR OS को माप कर सत्यापित, जिसको नाप कर हमको सत्यापित करना है, OP बराबर OR। देखिए जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को सम, जहां मिलते हैं वो वहां पर एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान दो भाग कर देंगे, तो यानी OP और OR को दो भागों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, अतः ये हमारा कथन क्या है, हमारा सत्य, जब आप उसको नापेंगे एकदम करेक्ट आएगा। फिर कह रहा है OQ और OS ये भी हमारा एकदम समान आएंगे, समान ये भाग बराबर होगा और ये दो भाग आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में समलंब PQRS में कोण P और कोण S के मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये हमारा दिया हुआ है 40 अंश और ये दिया हुआ है हमारा 60 अंश, तो हमको P और S पूछ रहा है। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, एक जो रेखाओं का युग्म होता है वो समांतर होता है, तो ये समांतर कौन होता है, ये होगा
समलंब चतुर्भुज ये समांतर होता है। तो अब क्या होगा, अब जैसे कोई भी दो समांतर रेखा खींची हो और ये कोई रेखा आ रही हो, तो अगर ये 40 अंश का है तो इसके ऊपर वाला ये बाहर कितना होगा 40 अंश का, तो ये अंदर कितना हो जाएगा कि ये टोटल होता है। देखिए ये 40 अंश का, अगर ये रेखा को हम रेखाओं को आपस में बढ़ा दें तो ये 40 अंश तक का, तो ये बाहर वाला 40 अंश का होगा। और जब 40 अंश का होगा तो ये टोटल कितने का होता है, कोई भी सरल रेखा हो टोटल कितने का होता है 180 अंश। तो ये 40 अंदर बाहर वाला होगा तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 40 और 140, 40 140 180। तो ये वाला जो हमारा कोण पी होगा वो हो जाएगा हमारा 140 अंश। अब देखते हैं कोण 60। देखिए इस रेखा को भी हम इस प्रकार बढ़ाते हैं, तो अगर ये 60 है तो इसका भी संगत कोण 60 अंश है। तो ये अंदर वाला जब कोण होगा तो यानी ये टोटल कितना होता है, सरल रेखा है तो सरल रेखा कितने का होता है 180 अंश का, तो बाहर वाला 60 है तो 180 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 120। तो कोण यस बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अभ्यास 10C द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।